यो बाल देखो कहाँ जा रहे हैं, तो तलाना ये छोड़ जाओ तुम। ये तेरे को ना भैंसों से बहुत ज्यादा डर लगता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं 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 बहुत खतरनाक चीज है। ये तोड़ डाला गया है, यहाँ से भी टूटा हुआ है। हाँ भाई, अरे कितने छोटे छोटे। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी। तो ये गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं गया था मोटू के घर, एंड मोटू के घर से मैं लैपटॉप लेके आया था बिकॉज मेरे को प्रोजेक्ट बनाना था। तो मैं आज जा रहा हूँ कोचिंग वही लैपटॉप लेके। मैं अपने फ्रेंड को दे दूंगा तो वो अपना भी बना लेगा, मेरा भी बना लेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे ऐसे खड़े होके मेरी बातें सुन रही है। क्या बातें सुन रही है आप? ये आपके चेहरे पे कैसी गंदी सी मुस्कुराहट है बताइए। ये तो मतलब इसका कोई इसका ना अलग ही टाइप का ख्याल है। इसे खड़ी देखो, इसे कोई जगह ही नहीं मिलती है। दरवाजा कहाँ चाट रही हो? वो बाथरूम का दरवाजा चाटे डाल रही, क्या बताएं। तो अभी खाना पीना खाते हैं, फिर निकलते हैं कोचिंग के लिए। एंड जब कोचिंग जाएंगे ना, तो रास्ते में पड़ता है हरदोई का नुमाइश मैदान। एंड सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि नुमाइश लगना चालू हो चुकी है, मतलब झूले उले का जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म होता है वो लग चुका है, तो नुमाइश जल्दी लग जाएगी। हाँ, शायद बड़ा वाला झूला लग गया है। और कल हरदोई में चुनाव है, तो चुनाव के बाद से मतलब कि बहुत जोरों से लगेगी। और इस बार ना ज्यादा दिन तक रुकेगी भी, बिकॉज लेट में लग रही है ना। वैसे तो होली के बाद जो थी हटनी चालू हो जाती थी, लेकिन अब होली के एक महीने बाद तक लगेगी, क्योंकि बिकॉज बहुत ज्यादा लेट हो गया ना। अभी तक तो समझ लो पूरी नुमाइश लग गई होती, इस समय बहुत भीड़ होती है हरदोई की नुमाइश में, पर लगी ही नहीं। तो खाना पीना मैं खा चुका हूँ, बस निकलने वाला हूँ। निकल ही रहा था, सोचा एनी दीदी से मिलूं, तो एनी दीदी से मिलने के लिए आए। और एनी दीदी मुझे बहुत प्यार कर रही थी। हैं दीदी? यार आप सच बता रहा, पहले तो मेरे को इससे कंप्लीट थी ये प्यार नहीं करती, पर अब देखो कितना ज्यादा प्यार करने लगी है। तुरंत आ जाओ, तुरंत हाथ पर चटने लगेंगी। और सबसे ज्यादा अच्छा तो ये लगता है जब इसको ऐसे पकड़ लो ना, जब इसे कुछ बताओ तो इतने ध्यान से सुनती है, मजा आ जाती है। देखो अभी भी प्यार कर रही है, अभी भी चाटने में लगी हुई है। एनी, हाँ एनी, यार ये कितनी ज्यादा इनोसेंट लगती है ना। ले मुख बरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोरी चुलबुली, करे जो झक जोरी। मेरे को लैपटॉप अपने बैग में रखना है, पर मेरा बैग बहुत ही ज्यादा छोटा है और मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। रुको मैं पहले रख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो फाइनली यार बैग में लैपटॉप आ भी गया, चार्जर भी आ गया, मेरे को लगा आएगा ही नहीं। चल रहा, समझ रहे हो, फिर से आए हुए पीयू चल रहा है और खाना खा के नीचे कटोरी में रख दिया है। और देखो कहाँ बैठ के देख रही है टीवी। चुड़ैल जैसी लग रही है, बाल देखो कहाँ जा रहे हैं। तोती बांधनी है, तो तलाना ये छोड़ जाओ तुम। ये तोती बांधनी है, तोती इतनी बड़ी हो गई है पर अभी भी जो है कभी कभी तोती बांधनी है, ये करना है वो करना है, तो तला के बोलती है। फिलहाल हम निकल रहे हैं कोचिंग के लिए। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुन। रोक देना भैया साइड में। देखो सावन आए रे मन हंसाए में दवा। ये जो आपको दो पपी दिख रहे हैं ना, ये दो वही पपी हैं जिनको हमने यहाँ पे आके दूध पिलाया था। आपको याद होगा एक बार हमने जब फीड किया था, इतने बड़े बड़े हो गए यार ये। दो ही दिखे, बाकी पता नहीं कहाँ गए। और जो हमारी कल्लो है ना, कल्लो ने 8 बच्चे दिए थे, उसमें से मेरे को कल पता चला है शायद 3 या 4 जो है उनकी डेथ हो गई है, पता नहीं क्या बात है। आज जाके मैं देखूंगा। अब ना उनके बच्चे को एक बाहर जगह पे लिटाल दिया गया जो कि खाली जगह है, तो अब हर कोई देख सकता है। आज चलेंगे वहां पर भी। ट्यूशन ट्यूशन में काम करने के बाद आपसे मिलते हैं। और सारी उम्र ना गवा दे मैं। फाइनली कोचिंग डन, जो लैपटॉप देना था फ्रेंड को दे दिया है। अब हम जा रहे हैं मोटू भैया से मिलने के लिए। मोटू भैया थोड़ा सा फ्री हैं, तो चलो मिल लेते हैं चल के मोटू भैया से। अरे भाई साहब, सामने देखो पूरा भैंसों का जो है झुंड आ रहा है। साइड में खड़े हो जाए, किधर आ जाए, इधर आ जाते हैं चलो। अरे भाई 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 लग गया। लो मेरा हाथ इतना संभाल के निकल लेते तब भी। मेरे को ना भैंसों से बहुत ज्यादा डर लगता है। एक बार मैं जा रहा था, भैंस ने अपनी पूंछ मारी चट से और बहुत तेज लगी थी, हाथ मेरा लाल हो गया था। पता नहीं इतनी क्या तेज वो अपनी पूंछ मारती है। मोटू भाई भी आ चुके हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि मोटू भाई जो है बिल्कुल सही टाइम का है। देखो देखो फुटेज देखो कितने आता है। फिलहाल मेरे जो है शूलेस खुल गए, हम यहाँ पे शूलेस बांधने के लिए रुके हुए हैं। तो यार शूलेस बांध लिए और अभी ना हम लोग ऐसे थोड़ा टहलने के लिए जा रहे हैं। देखो लाइन से जो है बस लगी हुई है, बिकॉज कल हरदोई में चुनाव है ना। भैया किसको वोट दे रहा है? नहीं वोट डालेंगे, चुनाव वोट डालेंगे। अरे तो वही बात, वोट डालेंगे। किसको वोट दे रहा है भाई? हम अभी 18 साल के नहीं। अच्छा तुम 18 साल के नहीं हो, सही बात भाई। तुम्हारी आधार कार्ड में कितनी डेट लिखी है? आज इस बात का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं 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 नहीं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुम्हारी बता देंगे, बहुत खतरनाक चीज है। सोचो मैंने आपको बता देना, आप लोग हंसते हंसते पगला जाओगे, तो वैसे बताऊंगा नहीं। अच्छा अगर आप लोगों ने खूब सारे कमेंट किए ना नीचे, तो मैं अगले व्लॉग में बता दूंगा, ठीक है? अभी नहीं बताऊंगा। तनिष मिश्रा की भी पता चलेगी। हाँ तनिष मिश्रा का कुछ नहीं बता पाओगे। जलवा है हमारा यहाँ। तो वहाँ से टहलते टहलते जो है हम आ गए हरदोई के नए पार्क में जो बस अभी बना था। और यहाँ आके ना मेरे को सच बता रहे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। जिस दिन ये खुला था उस दिन आए थे, मैंने आपको उस दिन का व्लॉग दिखाया था, एंड मैं आज आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, तो आप लोगों को भी शर्म आएगी जो हरदोई वाले हैं। ये हाल हो रखा है,
पॉलीथिन पड़ी हुई है यहाँ के, इसमें जो पॉन्ड बनाया गया था लोगों का मास्क पड़ा हुआ है, और वो जो आई लव हरदोई लिखा हुआ था ना वो भी लोगों ने डैमेज कर दिया है। मतलब कि उसे लगे हुए एक हफ्ता तक नहीं हुआ, लोगों ने उसे डैमेज कर दिया, इसीलिए उसके आसपास ना ग्रिल लगाई जा रही है जिससे कि जितना बचा है कम से कम वो तो सेफ रहे। अब बताओ मतलब इतनी अच्छी जगह मिली थी, तुम लोगों ने पूरा उसको भी बर्बाद कर दिया, पूरा वो टूटा जा रहा है तभी उसके आसपास ग्रिल लगाई जा रही है। हम लोग जो है चीजों की कदर बिल्कुल करते ही नहीं है। ये घूरा था पहले, हाँ ये मतलब घूरा था, यहाँ पे ना पहले खूब कूड़ा वाला डाला जाता था, इसको पूरा वही तो पहले घूरा था, इसको इतना अच्छा बनाया गया और उसके बाद फिर से तुम इसमें गंदगी डाल ले तो फिर क्या ही बताएं यार। सबसे पहले तो यहाँ पे जो देखो साइड साइड में ग्रिल लगा दी, उसके साथ हरदोई की हालत देखो, ये जो है हरदोई का ई का जो है ये तोड़ डाला गया है, उसके बाद और भाई कहाँ कहाँ से टूटा है, यहाँ से भी टूटा हुआ है, और इसकी हालत देखो कितने ज़्यादा स्क्रैच स्क्रैच पड़ गए, मतलब लोग उसके उधर साइड में पीछे चढ़ चढ़ के फोटो खिंचा रहे थे। गलत बात है भाई यार, मत करा करो ऐसे। एक तो यार इतने सालों के बाद एक दो पार्क बनते हैं सिटी में और उसकी भी ये हालत हो जाती है। एक दो पार्क सालों में बनते भी, मतलब कि भाई बोले सालों कई साल, अभी सालों में एक पार्क बना है। हाँ वही तो बता रहे हैं। उधर बैठे थे हम लोग, उधर तो थी गंदगी और इधर देखो भाई सब क्या हो रखा है, बस प्लास्टिक ही प्लास्टिक। नहीं जूमिंग करके क्यों दिखाए, हमें अपने फोन का प्रदर्शन नहीं करना है सबके सामने। तो पार्क से तो हम निकल चुके हैं और आज हमने लिए हैं समोसे, काली चरण के समोसे। एक्चुअली काली चरण यहाँ पे लगाता है तखत पे समोसे बेचता है, मैंने तो कभी खाए नहीं, आज पहली बार खाने जा रहा हूँ। 5 रुपए के 2 मिलते हैं पर छोटे बहुत होते हैं, कहा जाता है इनका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। कैसा है, आधा खा भी लिया? वाह बेटे वाह, इन्होंने इसलिए खरीदे क्योंकि ये हैं गरीब आदमी। हाँ। इन्होंने 5 के 2 के चक्कर में। अरे भाई मैंने सोचा था ट्राई करें, देखें छोटे छोटे मिलते, बहुत ही ज्यादा फेमस है भैया काली चरण के, तभी मैंने लिया आज। तुमने लिए 5 के 2 से इसलिए बातें करवा लो तुमसे बस। चलो हम भी खाते हैं। गम है, गम है? किस चीज का गम है आपको? गरम है समोसे जो एक अंबर है छोटे हैं बस, चटनी जटा का मजा। बाहर निकाल के बात करिए। समोसे ठूसने के बाद हरदोई के नुमाइश मैदान में आ गए थे देखने के लिए, और ये देख के ना दिल को बहुत ही ज्यादा शांति मिल रही है। कल चुनाव होने के बाद यहाँ बहुत जोरों शोरों से यहाँ की दुकानें लगेंगी, तो देखना 15-20 दिन के अंदर सब लग जाएगा। अपने काम का तो हिस्सा ये है, ये जो झूलों वाला सेक्शन है, 3 झूलों की लगनी स्टार्टिंग भी हो गई है, ये रहा बड़ा वाला झूला, जब झूले लग जाएंगे मजा बताएगी। नुमाइश तो अभी नहीं लगी है पर यहाँ पे ना एक ये आइसक्रीम वाली मशीन रख गई थी, तो हमने सोचा चलो आइसक्रीम भी ले लेते हैं। मोटू भैया खा रहे हैं सॉफ्टी और हम भी खाने जा रहे हैं। खा तो रहे, एक देखो लिप मार चुके हो, खा चुके हो, तुम झूठ बहुत बोलते हो यार। अभी पता है यहाँ पे 10 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है, जब नुमाइश चालू हो जाएगी तब 15 या 20 का मिलेगी, तो आज फायदे में हम लोग चलो खा लेते हैं। तुम्हारी बड़ी है। कोई बात नहीं, सहलो थोड़ा। 6 बजने जा रहा है, मोटू को विदा करने का समय आ गया है, मिलेंगे हम आपसे जल्दी अगले मंगल को। अच्छा, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं हमारे मोटू भाई। ठीक है भाई, ठीक है, अभी थोड़ी लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग करी थी तभी लेट हो गया। ठीक है भाई, जाएंगे पैदल जाओगे का पेट कम कर रहे हो अपना है, ऐसे ही पैदल जाओगे। ठीक है जाओ, अच्छा व्लॉग बता रहे हो, जाओगे ऑटो में? वाह, ऑटो में बैठ के बस मैं घर ही जा रहा था, तो घर से ना अभी नानी जी की कॉल आई है और नानी जी बता रही है कि घर में ना एक कोई और एक छोटा सा पिल्ला आ गया है, और मेरे को पूरा भरोसा है वो कल्लू का ही बेबी है, बिकॉज कल्लू के बच्चे अभी बाहर आ गए हैं ना, तो चलो देखते हैं चल के कौन पपी आया है। सो जस्ट रीच होम और मेरे को कोई आसपास यार यहाँ कहीं पपी दिख ही नहीं रहा, चलो अंदर चलते हैं पूछते हैं कहाँ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, कहाँ है, कहाँ है पपी? गली में गया था, कल्लो का ही। तो गली में भीड़ हो गई, पिल्ला क्या गया भाई साहब, कल्लो का ही होगा। रो रही। वाह, का है? रो गा रही बिटिया, पालना है इसे, बहुत सारे हैं, आपने अभी भाइयों के पास इंदो बड़ा हो जाए तब पालना। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, ये जो पपी यहाँ आ गया था ना, तो आराध्या जो इसका भैया है ना वो रोने लगे, मतलब वो उस पपी को जाने नहीं दे रहे हैं, तो उनके पापा को यानी कि जो मामा जी है ना उन्हें जबरदस्ती जो है पपी पालना ही होगा। और यार ये जो पपी है ना ये और किसी का नहीं, हमारी कल्लो का ही है, तो चलो इनके और भी पपी देख लें। पहले जो कल्लो ने बच्चे दिए थे ना वो इधर घर में दिए थे, लेकिन अभी जो है कल्लो के बच्चे इधर रखे हुए हैं ऑटो के पास, चलो देखते हैं कहाँ है कल्लो के बच्चे। ये देखो सो रहे हैं बेचारे, कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, देखो जग गए। हाँ भाई, अरे कितने छोटे छोटे, कितने बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचे, 2 जो हैं खत्म हो गए, कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, देखो प्यार करने के लिए आ गए यार, कितने क्यूट है, मतलब कि मेरे हाथ से भी छोटे, देखो मेरे हाथ में पूरे आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े हैं यार, कितने क्यूट लग रहे हैं ये। क्या हाल चाल, ये देखो ये हमारे हल्का सा एनी दीदी की तरह लग रहा है, इनका मुंह देखो यार कितना छोटा, मैंने इतने छोटे पपी सच में आज पहली बार देखे, इनको आज मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, जब पहली बार देखा था उसके बाद आज। ये ना एक्चुअली कमजोर है थोड़े, बिकॉज ये ज्यादा बच्चे हुए थे ना जब हुए थे
8 बच्चे थे। यानी कि वो जो पपी आया है ना वो कल्लो का पपी नहीं है, ये तो बहुत ही छोटे छोटे पपी है ना, वो पता नहीं कहीं और से पपी आ गया है यार। बेचारे सो रहे थे, हम आ गए, अब सब देखो मेरे पास आ गए मेरे को प्यार करने के लिए। सच में जो डॉग होते हैं ना बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं ह्यूमंस को। वो देखो वो तो चाटने भी लगा मेरे पैर, इसको देखो। हेलो कल्लो दीदी भी आ गई। कल्लो, हाँ कल्लो, वो देखो अपने बच्चों से ही भाग रही है वहाँ। पर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब ये थोड़े से जैसे बड़े होंगे ना ये रोड पे चलना चालू कर देंगे, और ये लोग जैसे रोड पे जाएंगे ना तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है। सारे के सारे जो पपीज हैं एक्सीडेंट में ही खत्म हो जाते हैं यहाँ के। अब मैंने आज अभी इन पपीज को देख लिया ना, मेरे को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, मेरे को बुरा ऐसे लग रहा है कि मेरे को पता है कि इनमें से शायद कोई भी ना बचे। अगर हमारे पास एनी नहीं होती ना तो हम सारे पपीज को जो था अपने किचन गार्डन में रख लेते, आराम से वहाँ रहते। पर अभी एनी है। आपको याद होगा जब हमारे पास बिल्लू था और जब एनी आई थी तो बिल्लू की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मतलब अब हम ला नहीं सकते यार, अब हम क्या करें। पर कोई बात नहीं यार, मेरे से जितना हो पाएगा मैंने इनका ख्याल रखूंगा, इनको कम से कम फीड तो कर ही सकता हूँ ना। ये ना काफ़ी छोटे छोटे हैं, 1 महीने के होने जा रहे हैं, बिकॉज इनको सही तरीके से दूध दूध नहीं मिलता, क्योंकि बिकॉज इसकी माँ एक है और बच्चे इतने ज़्यादा हैं। तो आज से ना मेरा एक काम फिक्स है, सुबह और शाम दोनों टाइम जो है मैंने मिल्क फीड करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आज तो मेरे को दिखे हैं ये, मैं तो कब का करना चालू कर देता, पर अब से डेली। बस 8 बजने वाला है, व्लॉग अपलोड हो चुका है तो व्लॉग लाइव भी हो जाएगा। फिलहाल मैं चला खाना खाने के लिए। खाने में बनी है आलू की कचौड़ी, मतलब घर में किसी ने बताया नहीं है बनी है, मेरे को महक आ गई ऊपर तक। एक्चुअली किचन का जो एग्जॉस्ट है ना यहीं पे लगा हुआ है ना, तो महक आ जाती है। चलो एक बार किचन में चल के देखते हैं जो मैं सोच रहा था वो सही है या नहीं है। हाँ सही है, बनी है आलू की कचौड़ी। धन्यवाद आलू की कचौड़ी बनाने के लिए, हमारी पसंदीदा है। मम्मी जी आज भी आप उल्टा स्वेटर पहनी, आप ये उल्टा स्वेटर क्यों पहनती हमें आज, आप ये क्लियर करिए। हाँ काम करते समय गंदा हो जाता है। हाँ जुगाड़ समझ रहे हैं आप मम्मी का, ये जुगाड़ और देश की औरतों को क्यों नहीं सूझा। अरे भाभी जी कचौड़ी बना रही थी, भाभी जी ने आटा देखो कितना लगा रखा है, ये यहाँ पे आटा कैसे लग गया इतना है, ये पूरी साड़ी पे लगा, यहाँ पे लगा। और जो भाभी जी हैं यानी कि मामी जी, मामी जी कैसे समझा। अरे यार एक तो रिश्तों में आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, किसी दिन मैं आपको सारे रिश्ते समझाऊंगा। जो मामी थी ना वो गई हुई है अपनी मम्मी के घर सुभाष नगर, तो वो देखो 4-5 दिन बाद आएंगी, वो ना कल गई है अपने घर, तभी आपको व्लॉग में नहीं दिख रही होंगी। एक बार फिर से आज मैंने खाना खाना चालू कर दिया और आखिरी कचौड़ी खा रहा हूँ, फिर याद आया व्लॉग तो करा ही नहीं, मैं और मामा दोनों लोग एक ही थाली में खा रहे हैं। सो गाइस इट्स 11 PM इन द नाइट एंड मैं ना कुछ चीजें प्लान कर रहा हूँ पर वो हो नहीं पा रही हैं, पर देखो वो जो है जल्दी प्लान हो जाएंगी। मेरे ना बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं अभी, तो वो आपको मैं धीरे धीरे करके अगले व्लॉगों में बताऊंगा। एंड कल है हरदोई में इलेक्शन, तो सुबह देखेंगे क्या होगा। कल घर से तो कहीं निकल नहीं पाएंगे बिकॉज पूरा हरदोई बंदी होगा। तो इस व्लॉग को हम यहीं पेंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी ही, कल परसों नरसों हर दिन, बिकॉज डेली व्लॉग करते हैं ना। तब तक के लिए गुड नाइट। रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना। कमल तुम्हारे सुर नरि मुनि सब होए सुकारे, प्रभु प्रसन्न मन सब कुछ तजी जो मोहि आया सुदेव, सो सिर दरि दरई करई सब मिटी।